एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिमसॉल। स्वागत है आप सभी का सिमसॉल के गूगल आर्ट्स ट्यूटोरियल में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग गूगल आर्ट्स के लिए बिलिंग वाले सारे सेटअप्स और सेटिंग्स कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज की वीडियो का जो हमारा एजेंडा है, गूगल आर्ट्स क्रेडिट के बारे में, अबाउट CTR, बेस्ट CTR, व्यूएबल CTR, रिलेटिव CTR। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको टॉपिक जो है समझ में आ जाए, क्या आज का मुद्दा यानी एजेंडा जो है होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया गूगल आर्ट्स क्रेडिट के बारे में। तो गूगल हमें खुद ऑफर करता है कि आप मेरे सर्विसेज को यूज करो, जिसके लिए हमें गूगल आर्ट्स क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करता है। पहले वो 2000 था, अभी 20,000 है एड्स क्रेडिट, जिसे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं और यूज करने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। इसके बाद है हमारा जो टॉपिक, वो है CTR। CTR जो है वो होता है क्लिक थ्रू रेट। डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसे भी समझना जो बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल नहीं है, आसान कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगी डेफिनेटली आपको अच्छे से समझने वाला है CTR के बारे में। कई बार हम लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि बेस्ट CTR क्या होता है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, तो बेस्ट CTR क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और वहीं जब हम लोग CTR के बारे में जानेंगे तो वहां पर आते हैं दो टर्म्स और, वो है व्यूएबल CTR एंड रिलेटिव CTR। तो हम लोग व्यूएबल CTR क्यों मेजर करते हैं, क्या होता है, कौन से एड्स पर देखने मिलता है, रिलेटिव CTR क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आज के हम लोग वीडियो में कवर अप करने वाले हैं गाइस। तो ये जो वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, गूगल एड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको मिस नहीं करना है। और अभी के भी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी करना, हमारे चैनल पर नए हो अभी के भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गूगल आर्ट से रिलेटेड और भी आपके लिए वीडियोस आने वाली है। इसके लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। सो गाइस, चलो अब शुरू करते हैं जानने के लिए कि गूगल आर्ट्स क्रेडिट कैसे आप लोग यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले, यानी कि मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि इससे पहले के वीडियो में हमने बातें की थी कि कैसे आपको पेमेंट जो है सेटअप करना है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था बिलिंग और ANR, आपको अपना अकाउंट टाइप और डेटा, यानी अपने कार्ड का डिटेल्स या फिर UPI डिटेल्स जो है एंटर करना होता है। अब अगर आप जब ये सारे काम कर लेते हो, जैसे आप बिलिंग कर लेते हो, तो आपको वहाँ पर प्रमोशन का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स पर मैं आती हूँ और यहाँ पर दिखाते हैं कि ये रहा प्रमोशन का ऑप्शन। तो प्रमोशन के ऑप्शन पर फिलहाल जैसे ही मैं क्लिक करूंगी वापस से बिलिंग सेक्शन पर आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सैम्पल दिखाया था कैसे आपको यहाँ पर बाकी सेटिंग्स करनी है। और यहाँ पर जैसे आप ये सेटिंग्स क्रॉस कर लोगे ना, तो आपको यहाँ पर टैक्स इन्फो जो है अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो वहाँ से आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है एड ऑन करनी होती है, उसके बाद आपके मेल ID पर सारे वेरिफिकेशन आ जाते हैं। इसके बाद आपको टूल सेटिंग्स पर आकर प्रमोशन पर क्लिक करोगे, या फिर आपके जो यहाँ पर साइड में, इस साइड लेफ्ट साइड में प्रमोशन का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आपको दिखता है प्रमोशनल कोड ऐड करने के लिए, जो हमें गूगल एड्स के साइट से मिल रहा होता है 20,000 का। यहाँ पर 20K यानी कि 20,000 का एड्स स्पेंड क्रेडिट यहाँ पर हमें मिल रहा होता है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्राइटेरिया है यूज करने के लिए गूगल एड्स के साइट से, जो हमें 20,000 एड्स स्पेंड क्रेडिट मिल रहा है, वो क्राइटेरिया है कि इससे पहले आपको यहाँ पर ना ऑलरेडी 20,000 का एड्स जो है अराउंड, आप यहाँ पर बजट जो है ऑलरेडी रन कर चुके हो, 20,000 लगा चुके हो, तभी आप इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल होते हो और आप 20,000 जो है एड स्पेंड गूगल के साइट से जो मिल रहा है उसे यूज कर सकते हो। तो यूज कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी डायरेक्ट गूगल पर आकर मैंने यहाँ पर एड्स फ्री स्पेंड जो है 20,000 सर्च किया, और जो फर्स्ट ऑप्शन आया उस पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। गूगल खुद कई बार हमें जो है ऐसे अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हमारे साथ काम करो, गूगल एड्स पर काम करो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें गेट स्टार्टेड पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है गूगल एड्स 20,000 क्रेडिट बाउंस। यहाँ पर हम लोग क्लिक करके अपनी मेल ID एंटर करके यहाँ से हम लोग प्रमोशनल कोड जो है अपना जनरेट कर सकते हैं, और प्रमोशनल कोड आपके मेल ID पर आएगा जिससे आपने अपना गूगल एड्स अकाउंट बना रखा है। तो ये आपको मैंने बताया गूगल एड्स जो 20,000 का एड्स स्पेंड जो दे रहा है उसके बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे अभी गूगल एड्स के बारे में कि यहाँ पर बाकी जो एजेंडा मैंने आपको ब्रीफ किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है CTR। CTR मैंने आपको पहले बताया कि CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। तो अभी CTR समझने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजी जो है ना उसे क्लियर करना होता है। वो आ जाता है फर्स्ट हमारा इंप्रेशन, सेकेंड है क्लिक गाइस। तो ये हमें दो टर्मिनोलॉजी जो है क्लिक पहले क्लियर करनी है, उसके बाद हम लोग जानेंगे CTR के बारे में, क्योंकि हमारा जो CTR का फॉर्मूला है वहां पर इंप्रेशन और क्लिक का ही जो है
मेन रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है यहाँ पर ऐड किया है, CTR यहाँ पर लिखा है ऊपर में क्लिक्स बाय इंप्रेशन इज टू 100। तो यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट जो है वो डिपेंड करता है क्लिक्स पर और इम्प्रेशन पर। तो इम्प्रेशन क्या होता है मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ पर जिसका डेफिनेशन लिखा है वो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एन ऐड दैट डिस्प्लेज इन फ्रंट ऑफ द यूजर। तो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हम लोग सर्च करते हैं जाकर गूगल पर, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर सर्च एड्स की बात कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सर्च एड्स, और मैंने जाकर गूगल पर जो है सर्च कर लिया यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। यहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स सर्च किया। अब यहाँ पर हमें जो है ये पूरा एक मान लो एड, यहाँ पर एक सर्च एड आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हमें चार जो है अलग अलग वेबसाइट्स दिख रही हैं डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन क्लास के लिए। तो ये जो हमारा सर्च आ रहा है ना 1, 2, 3, 4 इसे हम लोग कहेंगे इम्प्रेशन, कि जो हमारा सर्च आ रहा है, जो हमारे सामने एड डिस्प्ले हो रहा है उसे हम लोग यहाँ से कहने वाले हैं इम्प्रेशन। तो ये हो गया गाइज हमारा इम्प्रेशन, जो मैंने आपको बताया कि जो सर्च में आ रहा है वो हो गया हमारा इम्प्रेशन। अब बात करेंगे क्लिक क्या है। तो यहाँ पर मान लो ये फर्स्ट आया, फर्स्ट जो आया इस पर हमने डबल टैप करके क्लिक करके इसे चेक कर लिया, तो ये होगा क्लिक। सिंपल यहाँ सिंपल वर्ड में लिखा है क्लिक ऑन द एड, तो ये होता है हमारा क्लिक। तो अब जरूरी नहीं कि हम लोग जितने भी यहाँ पर एड देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने एड आ रहा है, इन सभी पर हम लोग क्लिक करें, लेकिन ये जरूरी है कि इंप्रेशन सब पर आ जाएगा। हम लोग सारे एड देखेंगे लेकिन सब पर हम लोग क्लिक नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो चुका है कि इंप्रेशन जो है हम लोग हो सकता है कि सारे एड्स देखें लेकिन क्लिक नहीं करें, और क्लिक जब हम लोग करते हैं तो उसको कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक करने का जो है वेटेज ज़्यादा होता है। इंप्रेशन जो है हम लोग देखेंगे, हमारे सामने बहुत सारे एड्स डिस्प्ले होते रहते हैं, सिर्फ डिस्प्ले एड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वेबसाइट्स पर बहुत सारे आप देखते हो वहाँ पर डिस्प्ले एड्स जो हैं आते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम लोग सारे एड्स पर वहां पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे, लेकिन हाँ इंप्रेशन डेफिनेटली होता है कि हम लोग सारे एड्स वहां पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो CTR का फॉर्मूला है वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि CTR क्लिक बाय इंप्रेशन इज टू 100। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक इक्वेशन जो है वो भी सॉल्व करके दिखा सकती हूँ कि कैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक एड है, ये हमारा एड है, और इसका यहाँ पर हमारे जैसे किसी ने सर्च किया, अब कोई कीवर्ड किसी ने सर्च किया, मान लो डिजिटल मार्केटिंग, जो मैंने आपको बोला ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लास ऑनलाइन, वही सर्च किया और हमारा एड जो है यहाँ पर सर्च एड में आ गया, सर्च एड में आ गया, और यहाँ पर मान लो हमारा सर्च एड में यहाँ पर थर्ड या सेकेंड नंबर पर, मान लो सेकेंड नंबर पर आ गया। बहुत लोगों ने जो है ऑडियंस ने इस एड को देखा, इसको देखा, इसको देखा, लेकिन यहाँ पर 3 क्लिक्स आ गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर मान लो क्लिक्स नहीं आए, यहाँ पर क्लिक्स नहीं आए और यहाँ पर 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा CTR। और जहाँ पर CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट, जब रेट की बात आ रही है तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक नंबर यानी कि परसेंटेज जो है आ ही जाता है। अब परसेंटेज कैसे आता है मैं आपको ये भी बताती हूँ। इंप्रेशन मान लो आपका यहाँ पर, जैसे मैंने ये समझाया कि ये इंप्रेशन है और ये यहाँ पर क्लिक आ गया 3, तो हमारा जो CTR रेट है ना वो 3 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर हमारा क्लिक हो गया 3, यहाँ पर इंप्रेशन जो था 100 था, मतलब टोटल 100 एड्स थे, और यहाँ पर कर देंगे इस 2, तो यहाँ पर ये तो चला गया, तो हमारा जो CTR रेट बचा वो हो गया 3। अब यहीं पर एक चीज़ और आती है, बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी क्लिक करता है कि कौन सा CTR रेट बेस्ट होता है। तो ऐसे ये ऑब्वियसली जस्टिफाई है, मान लो हमारे पास जो इंप्रेशंस थे वो हमारे इंप्रेशन जो है 100 थे, हमारे पास जो क्लिक रेट आया हमारे एड के लिए वो 10 है, और टोटल नंबर जो है यहाँ पर वो 100 है, तो ये चला गया, और यहाँ पर हमारा जो CTR बचा वो ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पर वो 10% है। तो ये एकदम कोई भी बता सकता है, बिना सोचे भी कोई बता सकता है कि अगर CTR 10% है या इंप्रेशन 100% है तो क्या ज़्यादा अच्छा हो। तो CTR जो है ऑब्वियसली वही अच्छा होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्लिक थ्रू रेट। इंप्रेशन ठीक है हमारा एड दिख रहा है, लेकिन कितना क्लिक हुआ वो एक्चुअली में मैटर करता है। तो ये था यहाँ पर क्लिक और इंप्रेशन की आपकी टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी
CTR को समझने से पहले अब हम लोग बात करेंगे CTR क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि CTR is the number of clicks that your ad receives divided by the number of times your ad is shown click divided by impression। जो मैंने आपको यहाँ पर equation guys मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि यहाँ पर CTR का मतलब जो होता है जो हमारा impression दिखा, जो हमारा ad दिखा हमारी audience को, उस पर कितना क्लिक हुआ, फिर उसको वहां से डिवाइड किया तो जो फाइनल आउटकम आता है, जो भी परसेंटेज आ रहा है 10 है 20 है, वही हमारा होता है फाइनल CTR। तभी एक चीज और पॉइंट आ सकता है कि जब CTR है तो CTR भी हम लोग अलग अलग लेवल पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एड की बात हो रही है और एड में बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है, खुद एड होता है, एड ग्रुप्स होते हैं, कैंपिंग्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हम लोग CTR जो है ना गाइस वो अलग अलग लेवल पर चेक कर सकते हैं और जो CTR का मेट्रिक्स है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर CTR का जो मैट्रिक्स होता है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि जितना ज्यादा CTR होगा उतना आपके एड के लिए अच्छा है, और 10-20 वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यहाँ पर ब्रीफ कर देती हूँ मैं आपको। CTR कैन बी सीन एट डिफरेंट लेवल्स। पहला है यहाँ पर कैंपिंग्स, एड ग्रुप्स, कीवर्ड्स, एड। तो हम लोग अलग अलग तरीके से ना CTR का मैट्रिक्स जो है चेक कर सकते हैं। जब आप एड रन करोगे, जब आप अपना CTR चेक करोगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके का कॉलम दिखता है, जहां पर यहाँ पर आपको CTR दिखेगा और उससे पहले आपको अपने सारे एड्स वगैरह दिखते हैं, और यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख जाता है, वो होता है आपका कॉलम का ऑप्शन। तो आपको ना इतना स्पेसिफिक होकर वहां पर CTR का जो रिजल्ट है वो नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको वो एक कॉलम पर आकर यहाँ पर जब आप मैट्रिक्स चेक करोगे अपने गूगल एड्स का, तो यहाँ पर इस कॉलम पर क्लिक करोगे तब जाकर आपको कैंपेन्स वाइज, फिर एड ग्रुप वाइज क्या CTR है, कीवर्ड्स के वाइज क्या CTR है, ये सारी चीजें दिखेंगी। क्योंकि आपने जो एड जो है रेडी किया है तो ऑब्वियसली वहां पर कीवर्ड्स भी होंगे, और कीवर्ड्स के हिसाब से आप अपना CTR देख सकते हो कि इस कीवर्ड पर आपने इस एड को रन किया था तो इसका CTR क्या है। अगर CTR ऑब्वियसली कम आ रहा है, जो आपने सोचा था कि हाँ ऐसे चलेगा या फिर ज्यादा अच्छा रैंक करेगा, अगर कम आ रहा है तो डेफिनेटली आपके एड कॉपी में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप अपने एड कॉपी को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एड्स, आप स्पेसिफिक होकर एड्स का भी देख सकते हो, क्योंकि एक एड तो आप वहां पर रन करोगे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वहां पर आपके एड्स होंगे, तो अलग अलग एड के लिए आप अलग अलग तरीके से अपना CTR जो है चेक कर सकते हो। और CTR चेक करने के लिए जब आप मैट्रिक्स चेक करोगे, यहाँ पर कॉलम का जो ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे आपको सारे चार्ट जो है मैट्रिक्स आपके गूगल एड्स का दिखेगा, और जैसे आप यहाँ पर इंटरैक्ट करोगे तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि CTR में दो टाइप्स और होते हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे आप कॉलम चेक करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि दो टाइप के CTR होते हैं, वो है एक व्यूएबल CTR, दूसरा है रिलेटिव CTR। अब ये दोनों जो CTR है ना, ये सर्च एड पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये डिस्प्ले एड्स पर एप्लीकेबल होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देती हूं सबसे पहले नॉट एप्लीकेबल ऑन सर्च एड्स, यहां पर मैं क्लियरली लिख देती हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और यहां पर एप्लीकेबल ऑन डिस्प्ले एड्स। ये कैसे, ये भी मैं आपको समझाने वाली हूं। पहले समझेंगे रिप्रेजेंट्स हाउ ऑफ्टन पीपल क्लिक योर एड आफ्टर इट बिकम्स व्यूएबल। तो हम लोग ऐसे, मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम लोग डिस्प्ले वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर डिस्प्ले एड्स जो हैं चलते रहते हैं, तो जब वहां पर डिस्प्ले एड्स जो हैं चलते रहते हैं तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी ऑडियंस को ना 50% जो है आपका डिस्प्ले एड दिखना चाहिए, और 1 सेकेंड तक एटलीस्ट दिखना चाहिए, वो व्यूएबल होना चाहिए, इसलिए ये डिस्प्ले एड्स पर एप्लीकेबल होता है व्यूएबल एड्स। क्योंकि सर्च एड जो है हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, एक कीवर्ड के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, और व्यूएबल एड, जब भी आप व्यूएबल CTR की बात करोगे तो देखोगे वहां पर डिस्प्ले एड्स की बात डेफिनेटली होती है। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म है हमारा रिलेटिव CTR। इट इज अ परसेंटेज वैल्यू दैट इन्फॉर्म्स यू हैव इफेक्टिव योर एड्स इज कंपेयर्ड टू कॉम्पिटिटर्स एड डिस्प्ले ऑन द सेम वेबसाइट। तो ये मैं आपको समझाती हूँ कि रिलेटिव CTR क्या होता है। पहले आपका ये कॉन्सेप्ट जो है व्यूएबल CTR का क्लियर हो चुका है, अभी हम लोग बात करेंगे रिलेटिव CTR के बारे में। अब हमने एक एड सर्च किया, सर्च नहीं, अभी मैं आपको डिस्प्ले एड का एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि हम लोग किसी वेबसाइट पर हैं और वहां पर बहुत सारे जो एड्स हैं वहां पर कंटिन्यू चल रहे हैं, उससे कहते हैं हम लोग डिस्प्ले एड्स।
तो हम लोग जब डिस्प्ले एड देख रहे होते हैं तो वहां पर सिर्फ एक एड तो आता नहीं है, एक वेबसाइट पर बहुत सारे हाँ यहाँ यहाँ इस तरीके से एड्स जो है चलते रहते हैं। अब इन एड्स में मान लो यहाँ पर आपका ये एड्स है और यहाँ पर अदर एडवर्टाइजर का एड्स है। अब इस पर मान लो आपकी एड पर आ गया 5 क्लिक और इनकी जो एड है इन पर आ गया, किसी पर आ गया 2, किसी पर 2, किसी पर 3, इस तरीके से उनके जो एड्स है उन पर आया इस तरीके का क्लिक। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पर क्लिक है वो 5 है तो आपका ज्यादा है ऑब्वियसली। तो इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव CTR, मेजर करना कि यहाँ पर आपके एड पर कितना आया। सेम वेबसाइट पर डिस्प्ले की जा रही है एड्स, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि सेम डिस्प्ले एड्स, सेम वेबसाइट पर जो आपकी डिस्प्ले एड जा रही है और अदर एडवर्टाइजर की आ रही है तो उनमें क्या डिफरेंस है, आपका क्या डिफरेंस है, कितना क्लिक आया। इंप्रेशन तो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेबल CTR यानी डिस्प्ले में आपका 50% पार्ट जो है एड का दिखता है और 1 सेकेंड तक दिखना यहाँ पर कंपलसरी होता ही होता है। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स जो है कंपेयर करते हैं हम लोग कि हमारा कॉम्पिटिटर से एड जो है वेबसाइट पर चल रहा है उसका क्या CTR है। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, वेरिएबल CTR के और रिलेटिव CTR के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा कॉन्टेंट था। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर CTR हमने समझ लिया, CTR क्या होता है, कैसे उसका मैट्रिक्स हम लोग चेक कर सकते हैं। जब आप लोग गूगल एड्स रन करोगे तो आपको वहां पर जो मैट्रिक्स देखने मिलेगा ना, वहां से आप लोग सारे मैट्रिक्स देख सकते हो कि आपके मैट्रिक्स में कितना कीवर्ड्स पर क्या आपका आ रहा है CTR और एड कैंपिंग, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन सा बेस्ट CTR होता है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि अच्छा मेरा 6 CTR है तो बहुत अच्छा है, 10 है तो बहुत अच्छा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये ऐसे क्लियर नहीं हो सकता है। ये भी मैं आपको एकदम अच्छे से ब्रीफ करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा CTR अच्छा हो सकता है। यहाँ पर मान लो हमारा कोई गूगल एड्स चल रहा है और गूगल एड्स में यहाँ पर हमारा 4 to 7 मान लो CTR है, तो इसे हम लोग अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है ओके, लेकिन हम लोग एकदम से इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या फिर उस पर पिन नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट CTR है। अब यहाँ पर भी आपको या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब भी कोई एड, ये सर्च एड, क्योंकि CTR जो है वो किसी भी एड पर चलता है, सर्च हो डिस्प्ले हो सारे एड्स के लिए एप्लीकेबल है आपका CTR। CTR कोई लिमिटेड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेबल और रिलेटिव जो है वो सिर्फ डिस्प्ले एड्स के लिए है, लेकिन CTR जो है सारे एड्स पर चलता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी, वो क्लियर हो जाएगा कि बेस्ट CTR हम लोग ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो सेमसॉल्स है, आपने डायरेक्ट जाकर सेमसॉल्स सर्च किया, तो सेमसॉल्स आप सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट जो है सेमसॉल्स ही गूगल जो है सर्च करके देगा और आप डायरेक्ट सेमसॉल्स पर पहुंच जाओगे। तो सेमसॉल्स जो हो गया एक ब्रांड हो गया और आपने एक कीवर्ड सर्च किया, तो इसका जो CTR है ऑब्वियसली इसका CTR क्या कहेंगे कि डायरेक्ट सर्च करने के बाद जो कीवर्ड पर ब्रांड पर पहुंच रहा है, एड पर पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली इसका CTR जो है अपने हिसाब से होगा। लेकिन यही अगर यहाँ पर बात कर लें कि डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अब मल्टीपल ऑप्शंस में से जिसे चूज किया जाता है उस पर जिसका सबसे ज्यादा CTR होता है वो हम लोग काउंट करते हैं कि ये बेस्ट CTR है हमारा। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजर हैं, बहुत सारे एड्स हैं और खुद का हमारा एड है जिस पर इम्प्रेशन होकर रह जाता है और हमारे पर CTR जो है यानी कि क्लिक नहीं आता है। यहाँ से हमारा CTR बेस्ट कौन सा हो सकता है, ये कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला कि जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमने जब एड रन किया है तो हमारा ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कन्वर्जन आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, बिजनेस रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। क्योंकि अगर सिर्फ CTR पर आ जाए कि अच्छा हमारे पर 7 CTR आ गया, 10 CTR आ गया तो हमारा सारा काम हो गया, बहुत बेस्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने बताया कि रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका, बिजनेस प्रॉफिटेबल है यानी कन्वर्जन है यानी ट्रैफिक है या नहीं, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करेंगे कि CTR जो है सर्च एड्स पर, मैं कह सकती हूँ कि अगर कंपेयर किया जाए कि डिस्प्ले एड पर ज्यादा है या फिर आपके सर्च एड पर, तो डेफिनेटली सर्च एड पर ज्यादा रहता है। डिस्प्ले एड पर कम रहने का कारण ये है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग किसी भी वेबसाइट पर जब जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग वहां पर एड देखने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोग वेबसाइट पर कुछ आर्टिकल या कुछ ऐसी चीजें चेक करने जाते हैं और वहां पर जो डिस्प्ले एड्स आते हैं जरूरी नहीं कि उन सब पर क्लिक हो। इम्प्रेशन डेफिनेटली होता है लेकिन क्लिक जो है वहां पर कम होता है, इसलिए कह सकते हैं कि डिस्प्ले एड का जो CTR है ना
वो काफी लेस होता है गाइज, मतलब कंपेयर टू द सर्च एड। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे CTR का, और साथ ही साथ आपको मैंने समझाया कि कैसे यहाँ पर CTR के दो टाइप्स होते हैं, CTR के लिए आपको दो टर्मिनोलॉजी जो है क्लियर होना चाहिए, इसके अलावा बेस्ट CTR कुछ ऐसा जस्टिफाई नहीं है, गूगल एड्स क्रेडिट कैसे आपको अपने लिए प्रमोशनल कोड जनरेट करना है ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये सारा कॉन्सेप्ट जो है CTR का समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सभी हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपके लिए ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है गूगल एड्स से रिलेटेड, क्योंकि सिमसॉल्स की तरफ से आपको मिल रहा है गूगल एड्स के लिए A to Z नॉलेज, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो काइंडली गाइस अभी के अभी हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना अगर थोड़ी भी पसंद आई है ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अगर आपको, तो साथ ही साथ शेयर भी करना है, आप सभी बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को गूगल एड्स से रिलेटेड सारे टिप्स जितने भी वीडियो मैं बना रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, नए टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है आप सभी को बताने के लिए, समझाने के लिए। सो गाइज आप सभी बने रहो हमारे वीडियोज के साथ, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक लेट टेक केयर यू ऑल, बाय।